Bismillahir Rahmanir Rahim welcome to the video session of canter publisher so students today we are going to discuss the social study grade 5 so you should have in your hands the textbook of social studies that is cambridge scholar series grade 5 in addition to that you should have in your hands the summer pack of grade 5 and furthermore we have uploaded द रिसोर्स पैक ऑफ सोशल स्टडीज फॉर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स पेरेंट्स एंड प्रिंसिपल्स सो आज हमारा दूसरा लेक्चर है सोशल स्टडी ग्रेड फाइव के चैप्टर नंबर टू दैट इज फिज़िकल रीजन्स आज के हमारे जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं नंबर वन इज़ टू डिस्क्राइब द डिस्टिंगटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ईच फिज़िकल रीजन ऑफ पाकिस्तान पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल रीजन पढ़े आज हम उसके डिफरेंट डिस्टिंक्टिव फीचर उनमें जो फर्क वाजह करते हैं वो फीचर हम पढ़ेंगे और टू लोकेट फिजिकल रीजन्स शेयरिंग सेम करेक्टरिस्टिक्स ऑन द वर्ल्ड मैप हम दुनिया के मैप पे आपको दिखाएंगे वो फीचर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रीजन इज द माउंटेन रीजन सो वो रीजन जिसको हम माउंटेन रीजनस कहते हैं पहले हम उसको पढ़ते हैं जो पहाड़ी सिलसिले हैं द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज अबाउट थाउजेंड मीटर द सी लेवल एंड है्ड माउंटेन सो वो ऊंचाई वाला हिस्सा जमीन का जो हजार मीटर से ज्यादा हो और उसकी एक नोक हो स्टीप साइड्स हो उसको हम माउंटेन कहते हैं द हाइएस्ट पॉइंट ऑन अ माउंटेन इस कार्ड द पीक अगर ये आपके पास एक जमीन का लेवल है और यह आपके पास एक पॉइंटेड आपके पास जमीन का वो हिस्सा जो आपके पास पॉइंटेड है ऊपर की तरफ इसको कहा जाता है पीक और ये होली इसको कहा जाता है माउंटेन ये साइड इसके स्टीप हैं और जमीन से इसकी ओरिजिनेशन हुई है सम पीक्स राइज अब द क्लाउड्स पाकिस्तान इज होम टू द दाइटी ऑफ हाई माउंटेन रेंजेस ऑन इट्स नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न साइड सो पाकिस्तान के नॉर्थ पे शुमाल पे और नॉर्थ वेस्टर्न शुमाली मखरबी इलाके में आपके पास माउंटेन रेंजेस हैं सो दे आर क्लासिफाइड इन टू नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस सो हम आज नॉर्थ माउंटेन रेंजेस को एक्सटेंड करते हैं सो नॉर्थ माउंटेन रेंजेस में दिस रेंज इंक्लूड्स द हिमालयास एंड द कराकुर सो नॉर्थ माउंटेन रेंजेस में सपोज दिस इज पाकिस्तान सो ये पाकिस्तान के अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन ये करूं तो यहां पर हमारे पास हिमालय आते हैं और कराकुर रेंजेस आते हैं द हिमालयस हम अब डिटेल से हिमालयस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं सो द हिमालयस आर द माउंटेन रेंज सेपरेट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द तिब्बत इन प्लेटो जो तिब्बत प्लेटो है और इंडियन कॉन्टिनेंट है दिस इज इंडियन कॉन्टिनेंट और ये आपके पास तिब्बत प्लेटो है ऊपर इन दोनों को डिवाइड करता है और कौन कौन से मालिक इसमें आते हैं दिस मैसिव रेंज ऑफ माउंटेन इंक्लूड पाकिस्तान इंडिया नेपाल अफगानिस्तान चाइना एंड भूटान सो दिस इज पाकिस्तान का ये हिस्सा अफगानिस्तान देन ये चाइना का कुछ हिस्सा नेपाल और भूटान इसमें यह हिमालयस की रेंज है जो यहां पर हाईलाइट है हिम अलायस और यह आपके पास पाकिस्तान है और यह आपके पास इंडिया है सो इट स्ट्रेच इज लाइक अ बो इन द नॉर्थ ऑफ द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट एज शोन इन द फिगर ऑन द प्रीवियस पेज है लेंथ ऑफ अब फिफ्टीन हंड्रेड माइल्स ये सामने आपके सामने मैंने इमेज रखी है इसकी तकरीबन आपके पास लेंथ है पंद्रह सो माइल्स फिफ्टीन हंड्रेड माइल्स और ये एक एरो की तरह आपको नजर आ रहा है कि एरो की तरह ये पॉइंटेड है। इसकी अहमियत हिमालय माउंटेन्स पाकिस्तान के हवाले से और अदर कंट्रीज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज इट्स क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस जो आबो हवा है जो आपके पास क्लाइमेट है इसका इस पर गहरा असर है और डिफेंस के हवाले से अगर आप ये वाला पोर्शन देखें तो इस तरफ से कोई यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता और ना इस तरफ से कोई क्योंकि ये हिमालय के पीक्स इतने ज़्यादा हैं इतनी हाइट में हैं कि ये एक डिफेंसिव एक दीवार आपको दे रहा है कि ये एक दूसरे पे अटैक ना कर सके सेकेंडली जो मैंने पहले बात की क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस इसके आबो हवा पर कैसे असर है आगे मैं आपको बताता हूँ सोर्स ऑफ रिवर्स यहाँ पर जब बारिशें होती हैं तो पानी जो है इससे नीचे की तरफ मूव करता है तो ये दरिया के लिए भी एक सोर्स है फर्टाइल सॉइल नीचे जब दरिया से पानी बहता है तो वो अपने साथ जो आपके पास मट्टी है वो लेके जाता है तो एक फर्टिलिटी जो है उसका भी इंपैक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपको डैम बनाने में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है फॉरेस्ट वेल्थ पहाड़ों पे आपके पास फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा बनते हैं तो आपके पास एक ग्रीन लैंड का भी एक इम्पैक्ट होता है कि आपके पास ऑक्सीजन वाफर मेदार में मौजूद होती है एग्रीकल्चर चूँकि पानी जब रिवर से नीचे आएगा तो एग्रीकल्चर उससे वास्ट होगा टूरिज्म लोग पहाड़ों पे सैर और तफरी के लिए जाते हैं एंड मिनरल्स और आपके पास जितने भी कीमती मिनरल्स हैं वो इन पहाड़ों में पाए जाते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो दे प्रिवेंट कोल्ड कॉन्टिनेंटल एयर ऑफ सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंट्रिंग इन पाकिस्तान तो ये जो यहाँ से सेंट्रल एशिया से आपके पास कोल्ड एयर आ रही है ठंडी हवा ये इसको रोकती है पाकिस्तान के बाकी इलाकों में अगर हैड दियर बी नो हिमालय अगर ये हिमलायाज ना होते ये कोई हिमालय का सिलसिला ना होता तो पाकिस्तान होल ऑफ पाकिस्तान वुड हैव बीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सवियर कोल्ड एयर मासेस कमिंग द सेंट्रल एशिया तो पाकिस्तान का ये पूरा रीजन क्या होता और ये इंडिया का ये रीजन भी सख्त ठंड हवाओं की जिद में होता और यहां पर सख्त ठंड होती सो so, इसने आबो हवा समेत समेत डिफेंस रिवर्स फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉरेस्ट वेल एग्रीकल्चर टूरिज्म यह सारा इसकी वजह से इसका इंपैक्ट हाई होता है द नेक्स्ट वन इज दिस वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कार्ड सियाचिन विच लाइज एट द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट माउंटेन रेंज चिन्ह पे जो एक बेटर फील्ड है दुनिया का सबसे बड़ा वो भी इन हिमालय में आपको मिलता है एंड देर आर मैनी नोटेबल पीक्स ऑफ हिमालय इन पाकिस्तान बट नांगा पर्वत जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वींग नाइन्थ हाइएस्ट इन द वर्ल्ड एंड सेकेंड हाइएस्ट इन द कंट्री हैविंग अ हाइट ऑफ एट मीटर्स ये हिमालय में मौजूद है टूरिस्ट रिजॉर्ट ऑफ पाकिस्तान लाइक मरी नतिया गली कागान वेली आर आलसो सिचुएटेड इन दीज रेंजेस ये जो मैंने आपको मरी नथिया गली कागान गली जो टूर स्पॉट्स हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं ये भी इसी हिमालज में मौजूद हैं हजारों लोग केम हेयर फॉर रिक्रिएशन एंड द वैली ऑफ कश्मीर इज इन हर्ट ऑफ दीज रेंजेस विच इज़ कंसिडर्ड अ पैराडाइज ऑन अर्थ और कश्मीर की वादी भी इन्हीं हेमालज में मौजूद है अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखें ये आपके पास एक्सटेंशन है पूरी हिमालयस की मैंने आधा पिक्चर यहाँ पर आपको इंडिकेट किया है दीज आर हिमालयस अब देखें नदरन साइड पे पाकिस्तान के क्राक्रम रेंजेस ये आपके पास जो दो हैं ये आपके पास क्या है नदरन माउंटेंस हैं और यहाँ पर आपको हिंदू कुश नजर आ रहा है जो दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन तो ये आपके यहाँ पर है दैट इज़ नॉर्थ

इसकी एवरेज हाइट है और इसकी हाईएस्ट पीक जो है जो दुनिया की सेकेंड नंबर बड़ी पीक है केटू जिसकी आठ हजार छह सौ ग्यारह मीटर हाई है वो भीस्ट पीक इन वर्ल्ड द टॉप ऑफ इट्स नेबरिंग ईयर तो इसके साथ जितने भी मूल्हे का पहाड़ हैं वो सारा साल बर्फ में डके होते हैं बट इन समर गर्मियों में द नॉर्मल लाइफ बी एंड पीपल गेट बिजी इन अर्निंग और गर्मियों में लोग जो हैं नॉर्मल जिंदगी में आ जाते हैं और अपने लिए अर्निंग कमाते हैं द केनाल्स फ्लो फास्ट एंड ग्रीन ग्रास ग्रोज और इसमें जो कैनाल हैं जो रिवर के फ्लोज हैं वो यहां से बहते हैं और ग्रीन ग्रास जो है यहां पर डिपेंड करता है खूबसूरत मंजर होता है दिस माउंटेन रेंज लाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना पाकिस्तान और चाइना के बीच में है एंड बोथ द कंट्रीज आर ज्वाइन बाई कराकुरम हाईवे जो हाईवे यहाँ पर आपको नजर आ रही है ये पाकिस्तान और चाइना को लिंक करती है तो ये इस क्राकुरम रेंज से पास होकर चाइना में चली गई है विच इज बिल्ट अलॉन्ग द रिवर हंजा हंजा रिवर पे है ड्यू टू विच ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज हैज प्रोग्रेस वेरी मच जिसकी वजह से दोनों ममालिक में तजारत बहुत पीक पे जाती है अब मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा इस इमेज को आप गौर से देखें यहां पर क्राकुरम रेंजेस को वाइट लाइन जो आपको नजर आ रही है सर्कल ग्रीन हिमालय रेंजेस एंड ऑरेंज इज हिंदू कुश रेंजेस अब यह जो आपके पास ग्रीन है यह आपके पास हिंदू कुश रेंजेस है यह जो आपके पास वाइट वन है अगेन ये जो ग्रीन है यह आपके पास है हिमालय सो एक्चुअली दिस इज द पुजिशन ऑफ दीस थ्री आपको इसकी पुजिशन का भी पता होना चाहिए कि कौन से रीजन में पाकिस्तान के ये माउंटेन रीजन मौजूद हैं ये नॉर्थ साइड पे हैं अगेन दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ये आपके पास हिमालय हैं और यहां पर ये हिंदू कुश हैं और ये कराकुर है नाउ जो हमारे पास रह गए दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस जो हिंदू कुश रेंजेस हैं अब नॉर्थ वेस्टर्न रेंजेस ऑफ द कंट्री आर आल्सो नोन एज वेस्टर्न ब्रांचेज ऑफ द हिमालय माउंटेन इनको वेस्टर्न ब्रांचेज भी कहते हैं के हिमालय के ये वेस्टर्न ब्रांचेस हैं ये पहाड़ कॉन्सिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एंड आर लोअर इन एल्टीट्यूड देन द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में एल्टीट्यूड में थोड़े से छोटे हैं बनस्बत बाकी दो के एज मोस्ट ऑफ दीज रेंजेस लाई आउटसाइड द कोर्स ऑफ समर मॉनसून कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी एंड सो देर द रेनफॉल इज लेस एंड दे आर ऑलमोस्ट बेयर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन क्योंकि ये जो है ये यहां पर पाए जाते हैं और मॉनसून इस तरफ से आता है तो ये मॉनसून की तरफ नहीं है मॉनसून रेन जो बारिशें हैं जो बरसात की बारिशें उस पर नहीं होती और ज्यादातर ये जो है ये बेयर हैंड में ग्रीनरी नहीं है ये माउंटेन्स एक्ट एज अ बाउंड्री बिटवीन अफगानिस्तान ईरान एंड आवर कंट्री ये देखें ये इस इस तरफ आपके ईरान है और इस तरफ आपके अफगानिस्तान है तो ये एक बाउंड्री बनाता है और इसमें कौन कौन से माउंटेन आते हैं हिंदूकश कोई सफेद कोहाट एंड सुलेमान रेंजेस एंड कीर्थर रेंजेस वी विल डिस्कस दुश हम यहाँ पर हिंदू कुश पे फोकस करेंगे बाकी ये कोए सफेद वजीरिस्तान माउंटेन्स सुलेमान रेंजेस ये सारे इसमें आते हैं सो मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स ऑफ दिस रेंज आर इन अफगानिस्तान मेजोरिटी ये जो पहाड़ हैं ज्यादातर अफगानिस्तान में है और इसकी हाइएस्ट टॉप ऑफ दिस रेंजेस तिरचमीर पाकिस्तान में इसकी हाइस्ट रेंज है जिसकी सात हज़ार छ सौ नब्बे मीटर हाइट है इन दिस रेंज चित्राल एंड दीर इज सिचुएटेड चित्राल और दीन में जो आपको माउंटेन रेंजेस नजर आते हैं वो बेसिकली हिंदू कुश रेंजेस हैं दीज आर सम ऑफ द माउंटेन्स जिस तरह मैंने पहले कहा था अब माउंटेन्स आपको पूरी दुनिया में वर्ल्ड मैप पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये जो आपके पास हैं ये हिमालयस हैं और इसी हिमालयस ये हिमालयस हैं इधर आपके पास है और इस तरफ आपके पास हिंदू है देन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में आपके पास जो पहाड़ी सिलसिला है यूरल्स जो यहां पर पहाड़ी सिलसिला है यूरोप में कैलिडोनियंस ये भी यूरोप का पार्ट है देन एल्पस ये जो आपके पास रेंजेस पूरी दुनिया में है एंडीज साउथ अमेरिका में है रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में है एपल जो आपके पास साउथ अमेरिका में है ये यूरल्स आपके पास इधर सॉरी रशिया और इस इससे मुलहका इलाकों में है सो so, ये मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले हैं पूरी दुनिया में नेक्स्ट वन इज प्लेटोस अब प्लेटो क्या चीज है ये एक इस इमेज को ओवर से देखें ये आपको जो नजर आ रहा है ये एक माउंटेन है यहां पर बताया गया है इस माउंटेन से थोड़ा सा नीचे जो फ्लैट सर्फेस को प्लेटो कहा जाता है जो सतह समंदर से ऊपर होता है और प्लेन उस एरिया को कहा जाता है जो सतह समंदर के बिल्कुल साथ होता है सो so, एक प्लेटो फ्लेट एरिया को कहते हैं जो एलिवेटेड लैंडफॉर्म होती है किससे जो शार्पली अबव द सराउंडिंग एरिया सराउंडिंग जो प्लेन होते हैं उससे थोड़ा ऊपर होता है और दुनिया की हाइएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटो जो है वो तिब्बतन प्लेटो है सो पाकिस्तान हैज टू पोटोहार प्लेटो एंड प्लेटो so, firstly, प्लेटो सो फर्स्टली पोटोहार द हाइट ऑफ बलोचि थ्री हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड मीटर इसकी हाई है सी लेवल से बट ड्यू टू रेनफॉल यहां पर बारिशें कम होती है और चूंकि सर्फेस अनईवन है एक हमवार मैदान नहीं है फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कम होती है जरा कम होते हैं मोस्ट ऑफ द मिनरल ऑफ आर कंट्री ऑयल आयरन लाइम स्टोन आर फाउंड इन द पोटोहार प्लेटो एरिया लेकिन मैक्सिमम हमारे पास जो मिनरल है वो पोटोहार में आपके पास मिलते हैं जो अटक रावलपिंडी चकवाल और जहलम का एरिया है दैट इज इन प्लेटो ये प्लेटो में

कल्टिवेशन एग्रीकल्चर कम होती है दिस इज एन इमेज ऑफ बलूचिस्तान प्लेटो ये जो आपके पास पूरी दुनिया में आपको ये नजर आ रहा है ये हैं। साइबेरियन प्लेटो पोटोरोना प्लेटो ईरानियन प्लेटो प्लेटो ऑफ तिब्बत जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटो है माड़ा प्लेटो अफ्रीका में यह वाला होलिया प्लेटो माटो ग्रोसो प्लेटो कोलराडो प्लेटो डिफरेंट प्लेटोज आपके पास पूरी दुनिया में इस तरह मौजूद हैं। दैट इज स्पेनिश प्लेटो एटसेट्रा द नेक्स्ट इज द प्लेन जिस तरह मैंने जिक्र किया प्लेन उन इलाकों को कहते हैं जो सतह जमीन के साथ एक लेवल पे हो सो so, उस लार्ज एरिया को जिसका लेवल नियरली टू दी लेवल होता है एंड प्लेन एट और प्लेन अगर तो प्लेटोज मतलब भी आपके पास बिल्कुल प्लेन होते हैं हमवार होते हैं बहुत कम उसमें उतार चढ़ाव होता है लेकिन वो सी लेवल से ऊपर होते हैं सो रिवर्स फ्लोर डाउन द माउंटेन टूवर्ड द लो लाइंग लैंड दैलीज एंड प्लेन जब पहाड़ों से ये यहाँ पर हिमालय और ये तीनों पहाड़ी सिलसिले यहाँ से रिवर जब आता है तो इनके थ्रू यहाँ पर प्लेन से होते हुआ जाता है सो so, जो इंडस रिवर है ग्रेट इंडस रिवर जो हमारे पास दरिया सिंध है ये तिब्बत प्लेटो से शुरू हो जाता है एंड अ पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू गिलगित ये इंडिया से होता हुआ इस तरह गिलगित से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है और यहाँ पर इट इज़ अ नैरो बट वेरी फास्ट ये यहाँ पर उसका जो विट्थ है वो कम होती है लेकिन बहुत तेज होती है और जब ये इंटर होते हैं प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड सिंध में इट स्लोज डाउन क्योंकि प्लेन सी लेवल के मुताबिक में होते तो यहां पर ये स्लो हो जाता है हेयर एवरी ईयर हर साल ये मिलियन ऑफ टन ऑफ जरखेज सिल्ट है जो मट्टी है यहां पर डिपॉजिट करता है और दीज प्लेन्स आर नोन एज द इंडस प्लेन्स और उस प्लेन्स को इंडस प्लेन कहते हैं ये आपके पास जो मार्क हुआ है दिस इज अपर इंडस प्लेन एंड दिस इज द इंडस प्लेन इज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्टाइल प्लान ऑफ द वर्ल्ड मेड बाय द इंडस रिवर एंड द इंडस प्लेन इज डिडेड इंट टू पार्ट द अपर इंडस प्लेन जिसमें पंजाब प्रोविंस आता है जो दरिया जहलम चिनाब रावी और सुतलज इसमें ट्राइब्यूटरीज की तरह इस तरह

कराची पोर्ट पोर्ट कासम सिंध में है ये जो आपके पास पोर्ट है दिस इज कराची पोर्ट दिस इज बिन कासिम पोर्ट एंड दिस वन इज द गवादर पोर्ट नाउ हेयर यू कैन सी के पूरे दुनिया के जो पोर्ट्स हैं ये इस मैप पे आपके सामने ये न्यूयॉर्क का पोर्ट है ये लॉस एंजल्स का पोर्ट है ये लीमा का पोर्ट है, है जो साउथ अमेरिकन कंट्री है ये ब्यूनिस आयरस का पोर्ट है ये रियो डिजिनेर का पोर्ट है लेगोस लुआंडा अफ्रीकन कंट्रीज कराची हमारा पाकिस्तान का पोर्ट मुंबई इंडिया का मद्रास कलकत्ता ढाका बांग्लादेश का पोर्ट ये यहां पर पॉइंट आउट हुए हुए हैं बैंकॉक थाईलैंड का पोर्ट सिटी पोर्ट जकार्ता इंडोनेशिया का पोर्ट और इस तरह बाकी जितने भी पोर्ट्स हैं वो इस इमेज में लंडन इस्तांबुल का ये पोर्ट पूरी दुनिया के जो कोस्टल एरियाज के पोर्ट हैं वो यहां पर आपको दिखाए गए हैं नेक्स्ट वन इज डेजर्ट्स अब हम सेहरा की तरफ आते हैं जो फिफ्थ वन हमारा फीचर है सेहरा तो डेजर्ट जो है लार्ज ड्राई बैरन रीजन को कहते हैं जिसमें यूजली है सेंडी और रॉकी सॉइल होती है जिसमें रेतीली जमीन आपके पास होती है और रॉकी सॉयल आपके पास होता है वाटर लॉस टू एवोपोरेशन एंड ट्रांसपेरेशन इन डेजर्ट इक्सिड द रेन सो एवोपोरेशन और ट्रांसपेरेशन से क्या होता है अमाउंट ऑफ रेन जो है वो एक्सीड कर जाता है जब एवोपोरेशन और ट्रांसपारेशन बारिश के लेवल से ज्यादा हो जाते जा जा तो वहां पर खुश्कशाली होती है और वहां पर डेजर्ट बनता है सो एवरेज रेनफॉल अगर 25 सेंटीमीटर से कम होती है किससे 25 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसको हम डेजर्ट कहते हैं अब यहां पर थल चोलिस्तान नारा एंटर पार्कल डेजर्ट का जिक्र है तो यहां पर इस इमेज पे आप जरा गौर से देखें ये जो नंबर वन मैंने कहा है दिस इज द डेजर्ट ऑफ द सिंथ जो आपके पास मीरपुर खास सांगल डिस्ट्रिक्ट में तरपारकर और तर का जो डेजर्ट है इसकी मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 20 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की है और हॉटेस्ट मंथ इसका मई से जुलाई का है जहां टेम्परेचर 47.51 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी रेंज है लोएस्ट टेम्परेचर 27 से 28 और हाईएस्ट यहां तक है सेकेंड वन इज हमारे पास जो है दैट इज ऑफ वट दैट इज ऑफ द चोलिस्तान डेजर्ट जो बहावलपुर और चोलिस्तान का जो एरिया है वहां पर जो डेजर्ट है उसको चोलिस्तान डेजर्ट कहा जाता है फिर जो थर्ड डेजर्ट है आपके पास जो मियाँ वाली सरगोदा मुजफ्फरगढ़ डी आई खान पंजाब प्रोविंस के हैं वो जो है वो आते हैं थल डेजर्ट में एंड द फोर्थ वन जो यहाँ पर मेंशन नहीं है वो है बलूचिस्तान डेजर्ट का जिसको स्पेसिफिकली खार डेजर्ट कहा जाता है सो so ये चार डेजर्ट्स पाकिस्तान में हैं तो आपके पास पांच रीजन जो हैं मैंने रीजनल फीचर्स आपको डिटेल से बताए माउंटेन से लेके डेजर्ट तक जो पाकिस्तान में मौजूद हैं दिस इज पिक्चर कि आपके पास ये पूरी दुनिया के डेजर्ट जो हैं ये ब्राउन कलर में आपको डिपेक्ट हो रहे हैं दिस वन इज द सहारा डेजर्ट जो सामने आपके पास मैंने हाईलाइट किया दिस वन इज अरबियन डेजर्ट दिस वन इज कलाहारी डेजर्ट ये नैमेब डेजर्ट सिचोरा डेजर्ट तुर्किस्तान डेजर्ट गोभीट थर डेजर्ट जो पाकिस्तान का है ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ये पूरी दुनिया में आपको ये डेजर्ट मिलेंगे नाव दर इज होमवर्क फ्रॉम योर वर्क सो आज का जो आपका होमवर्क है इज वेरी इजी के टू दुनिया का सेकेंड हाइएस्ट पीक लोकेटेड कहां पर है हिमालय में कोई सफेद में कराकोरम में कोई सलेमान में दिस इज वेरी इजी मैंने अभी आपको बताया द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड हाइएस्ट प्लेटो तिब्बत प्लेटो इज सिचुएटेड इन कहां पर है शाबाश ये आपने बताना है क्योंकि पाकिस्तान के नॉर्थ पे है ग्रेटर हिमालय सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया इंडो पार्क फ्रॉम चाइना पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान कौन सी टीक है सराउंडस्ट वन साइड इज कार्ड माउंटेन प्लेटो हिल या क्लिफ्टन द टेंथ एम सी क्यू ऑफ द बुक इज प्लेन एंड प्लेटो आर बोथ फ्लेट सर्विस बट आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ क्या डिफरेंस है इसमें सी लेवल से ऊपर है सी लेवल का कोई काम नहीं है फ्लैटनेस का काम है या साइज ऑफ फ्लैटनेस का है नेक्स्ट इज द ब्रीफ आंसर्स प्लेटोस क्या हैं पाकिस्तान के प्लेटोस कौन कौन से हैं नाम बताएं वट आर डेजर्ट्स डिफाइन करें डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट्स क्लाइमेट इन डेजर्ट्स वट आर कोस्टल एरियाज वट आर दे यूज फॉर एंड देर इज कॉम्प्रीहेंसिव आंसर्स यू हैव टू शॉर्टली एक्सप्लेन माउंटेन रीजन ऑफ द पाकिस्तान and you have to describe the distinctive features of each physical region of pakistan. so this is homework from your book, and this is the homework from your summer pack. there is a region, there is activity number one. for example, there is a region is large area, which is characterized by common physical or climatic features, a mountain region or a hard climatic region. now see the region of the pakistan and write the similar region in the world. word. माउंटेन्स प्लेटोस, इंडस प्लेन डेजर्ट इंडस डेल्टा अब डेल्टा कोस्टल एरिया में आता है अब यहाँ पर आपने पूरी दुनिया के सिमिलर रीजन जो हैं वो इसमें सामने लिखने हैं कि माउंटेन्स दुनिया में कौन कौन से हैं पाकिस्तान के सिमिलरिटी प्लेटोस, इंडस प्लेन डेजर्ट्स एंड इंडस डेल्टा थैंक यू सो मच फॉर द टूचर सी यू इन दैक्स क्लास अल्लाह हाफिज़